हम आ गए जिंदल साहब। इतनी जल्दी नहीं भैया, चलिए जिंदल साहब और छोटी को इधर भेजिए, गंगा जी को छोड़ देंगे, और अगर जरा सी भी चलाकी दिखाने की कोशिश की ना तो गोली चला देंगे हम। मैंने तो सुना था कि गुड्डन सजा देती है, जान ले नहीं सकती। गुड्डन बेशक जान नहीं ले सकती है, लेकिन एक माँ और पत्नी जान दे भी सकती है और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकती है। ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा। आ गई हमारी हीरो नंबर वन। आ जाइए जिंदल साहब छोटी को लेकर। बार की तरह संभाल लिया था तुमने। आपने हमें बचाया जितने से। मैंने अपना वादा पूरा किया था। मैं छोटी को सही सलामत ले आया। छोटी तीनों फिर से एक हो गए। सोचना भी मत गंगा जी। आपका एक कदम कितना भारी पड़ सकता है जानती हैं आप? गोली चलाने का अंतिम अंजाम क्या होगा ये तो आप समझ गए होंगे ना? कहा था ना आपसे गंगा जी, अगर एक माँ अपनी बच्ची के लिए दर्द सहना जानती है तो दर्द देना भी बखूबी जानती है। तो अपना दिमाग चलाइए और अपनी गन नीचे रखिए। अभी नीचे कर लो बंदूक, नीचे करो गंगा, बंदूक नीचे करो, करनी पड़ेगी। चलिए जीता जा। हस्ती खेलती
की कहानी का आज का अंत निश्चित है। चलिए मेरे साथ, चलो चलिए। किसी अपने ने छुट्टी है, मान जाइए प्लीज। गुंडे उन्हें सबसे डील कर लेंगे, लेकिन ये छोटी नहीं। गुंडे, तुम और छोटी दोनों मेरे पास हो, सेफ हो। इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं। क्यों नहीं मानते हैं आप? कितने जिद्दी हो जाता है ना कभी कभी, मतलब हमसे भी। बेबी, छोटी सी बच्ची को भी पता कि आपके घाव के साथ क्या करना। माना की छोटी से वादा किया है कि कभी छोटी को खरोच नहीं आने देंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना ध्यान नहीं रखेंगे। कभी सोचा है कि आपके बिना क्या होगा हमारा? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? हमारी छोटी के लिए तुमने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा कभी। गुंडन, जी जान लगा दी तुमने हर एक पड़ाव पार करने में, राइट? हाँ, तो उसके लिए जीतना तो हमें पहले से आता है ना। डट कर लड़ना भी सीखा है, शर्मा बनने के बाद के लक्षण है। और जिद्दी तो हम पहले से ही थे ना। बहुत दर्द हो रहा ना? हो रहा है तो मेरी मरहम मेरे पास ही है, सारे जख्म जल्द भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा मुझे। छोटी, बस थोड़ी देर और, फिर मम्मा पापा और आप तीनों साथ में घर पर जाएंगे। तब तक है ना, यही आपका घर है और आप यहां पर एकदम सेफ। हम दोनों के साथ गंगा कहां गए? आपने आपने दबा के चाकू मारा था ना देवर जी को, है? गंगा बेबी, तुमने देखा था ना, उसका खून बह रहा था। बह तो रहा था, हाँ, तो फिर ऐसी जख्मी हालत में हाथ में बच्ची ढोए कितनी दूर भाग लेंगे? है ढूंढो, तबीयत से ढूंढो, ठीक है, यहीं कहीं मिलेंगे। अरे सुना नहीं तुमने? ढूंढो इन तीनों को और संभल के,
शेर चाहे जख्मी हो लेकिन दहाड़ मारना नहीं भूलता। चलो जाओ जाओ जल्दी जल्दी करो। कौन दे हम? चलिए ऊपर चल के देखते। चलिए अंधेरे में अब इस लॉ की तरह हमारी जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी। जिंदल साहब कुछ चाहिए आपको? नहीं मैं बस बाहर थोड़ा कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं देख कर आता हूँ। तुम्हें और छोटी को भूख लगी होगी ना? I'll just be back। पर इतनी नहीं लगी है कि आपको इस हालत में बाहर भेजें। आइए आप आराम कीजिए, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक मिनट, तुम जुगाड़ मतलब क्या करोगे? जुगाड़ मतलब खाना बना लेंगे। आइए आप आराम। देखो हमारी छोटी भी हंस रही है। वो भी जानती है कि उसकी मम्मा जब जब किचन में खाने का जुगाड़ करती है ना तब तब किचन में भूचाल आता है। अच्छा जी लग... देखो असरी छोटी आप भी पापा की साइड हो? और एक मिनट, इसमें ना हमारी कोई गलती नहीं, मतलब आपकी मम्मा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी मम्मा कुछ भी बनाएंगे ना कुछ भी तो आपके पापा की कुकिंग के सामने तो वैसे भी फेल होना। इसलिए ना इसलिए आपके पापा का काम है बनाना और हमारा खाना। सही चुना है हमने अपना काम, है ना? अच्छा छोटी तुम्हें ना एक काम करना, बड़े होके पापा की तरह मस्त शेफ बनना, ऐसे खूब टेस्टी टेस्टी खाना बनाया करना। जो काम ये गुड्डन नहीं कर पाई ना वो आप करके दिखाना छोटी करते। फिर देखिएगा हम अपनी बेटी के हाथ के बने खाने के ना खूब चटकारे लिया करेंगे। बिल्कुल चलो मैं आता हूँ बाहर देख कर। अरे पर बाहर क्यों? अभी तो बताया गुड्डन खाने का इंतजाम करके आता हूँ। अब हम कर लेंगे ना, देखिए अब क्या हालत है। चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, यहीं बस 5 मिनट आसपास देख कर आता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। प्लीज गुड्डन आई बी बैक आई बी फाइन डोंट वरी। ठीक है हम तब तक बाकी का सामान इकट्ठा करते हैं। करो और हाँ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक बेबी और मम्मा दोनों बैठ कर पापा के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे। ओके अब उसकी कोई गारंटी नहीं है तो आप जल्दी आ जाइएगा। छोटी चिंता साहब इसे पक्का भूख लगी होगी, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है ना। तो मैं कह रहा था आता हूँ जल्दी। सुनिए ध्यान रखिएगा। आता हूँ। अच्छे बच्चे नहीं रोते, पापा आपके लिए खाना लेने गए ना, ऐसे यू गए और यू आए बस फट से आ जाएंगे। छोटी पहली बार मेरे हाथ का खाना खाएगी। गंगा मैडम खाना खाना ढूंढ लिया नहीं मिले? अरे तुमको चूहे पकड़ने भेजा था है जो कोने में ढूंढ रहे हो? इतनी बड़ी कद काठी वाला जख्मी इंसान अपनी बच्ची और बीवी के साथ भागा है, अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है समझ में? आग लगी बूंदी में
दुनिया अपनी ही मस्ती में है, तो झोपड़ी में छुपी बैठी है हमारी प्यारी दुश्मन। नहीं बचेंगे ये तीनों। देखो देखो देखो, झोपड़ी तो खाली है, यहां तो कोई भी नहीं है। गंगा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेबी? बेबी तुम कहाँ बेबी बेबी है ये गुंडा लोग के सामने? अरे ये लालटेन अभी तक गर्म है, इसका मतलब गुटनिया यही थी। कोई और भी तो हो सकता ना गंगा। क्या के खड़े हो? फैल जाओ, वो ज्यादा दूर तक नहीं निकले होंगे। निकलो यहां से, चलो चलो। चिंता साहब, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें और छोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। पक्का कुछ नहीं होगा ना चिंता साहब? अभी मैं जिंदा हूँ गुड्डन, तुम पर और छोटी पर आंच भी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। हमारी सास है वो। अरे मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन कमाल है, वो इतनी यंग दिखती हैं, और आप लोगों की सास। मुद्दे की बात छोड़कर आपको पूरी कहानी जाननी है। हाँ, गुड्डन जिंदल है हमारी सास, पर वो अपने पति और बच्चे को लेके कैसे तो करके बच के निकली है, पर कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज, ये कहानी बस है आपके लिए। प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए प्लीज। कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। गुड्डन चिंदल इंदौर की शान है, कुछ नहीं होगा उन्हें। थैंक यू सो मच, आप कुछ भी करके उनको बचा लीजिए, बस कुछ भी करके प्लीज। मैंने अपने इतने सालों की ड्यूटी में सास बहुओं को झगड़ते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसा रिश्ता पहली बार देख रहा हूँ कि तीन तीन बहुएं सास के लिए विनती कर रही हैं। आप वारदात की सारी डिटेल्स बताइए, मैं संभाल लूंगा। बताइए। इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? छोटी को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। पता कैसे लग रहा है? इसलग रहा है जैसे एक बच्चा ना एक एग्जाम देने बैठा। एग्जाम में भी इतना स्ट्रेस नहीं होता है गुड्डन जितना आज हो रहा है। आज मेरी बेटी पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने वाली है। बाप रे, छोटी, हमने ना आज तक कभी नहीं सोचा था। नहीं मतलब इतने साल हो गए हैं शादी को, कभी कभी नहीं लगा था कि इनके जैसा ऐसा अकड़ू सा, दबंग सा, ऐसे सड़ू सा इंसान ऐसे ऐसे दुबक कर बैठ जाएगा किसी के सामने। वेल डन छोटी, तुमने करके दिखाया। अच्छा आप जल्दी से खिलाइए, फिर छोटी बताएगी कि आप एग्जाम में फेल हुए या पास। छोटी आ। देखा कैसे फट से खा गई। बहुत अच्छा बनाया पापा ने, भूखी लगी थी बेबी को। टीना साहब, हमें लगता है अपना पास हो गया। छोटी को बहुत पसंद आया आपका खाना। क्या पसंद आया गुड्डन? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने,
कि अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाकर एक से बढ़कर एक डिश खिलाऊंगा, स्पेशल केक्स बनाऊंगा, क्या कुछ नहीं करूंगा। यहां देखो, बेचारी को मेरे हाथ के ये उबले हुए दाल चावल खाने पड़ रहे। अरे रे रे, कि क्या इसकी मम्मा तो पानी तक नहीं उबाल सकती, पापा ने कम से कम दाल चावल तो उबाल के खिलाए। और वैसे भी कभी कभी तारीफ करते हैं हम, एक्सेप्ट कर लिया कीजिए। और अब देखिए ना, कितना समझदार बच्चा है, सब समझ रही है कि आसपास क्या सिचुएशन है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी छोटी में ना हमारी शरारत और आपका धैर्य, ये दोनों गुण है ना, दोनों बराबर बराबर। बहुत लकी हैं हम जिंदल से। देखिए कैसे डट कर सामना कर रही है हर मुश्किलों का हमारे साथ हमारी बच्ची। तुम भी आ करो। और रही बात ये खाने की, तो ये तो हमारी छोटी का पहला मील है, शुरुआत हुई है। अभी तो घर जाएंगे, घर जाके पापा खूब सारी डिशेस बनाएंगे, ऐसे स्पेशल स्पेशल वाले, बड़ी और छोटी दोनों टाइप्स की कुटेंगे। है ना, घर पे जाएंगे, खूब सारा खाना खाएंगे।